अब तक धनबाद जिले में एक भी कोरोना मरीज की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कुमार धूबी के बाघाकुड़ी के संदिग्ध मरीज को लेकर चिंतित हैं। तकनीकी खामियों की वजह से एक हफ्ते बाद भी मरीज की जांच रिपोर्ट जारी नहीं हो सकी है। इसी के चलते बाघाकुड़ी को सील कर दिया गया है। वहां के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। संदिग्ध मरीज और उसके परिजनों को अस्पताल में आइसोलेट कर रखा गया है। वहीं जिले के ग्रामीण एसपी अमित रेणु, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिल कुमार, कुमार धूबी पहुंचकर क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। जिसके बाद ग्रामीण एसपी अमित रेणु ने बताया कि कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद क्षेत्र को सील किया जा रहा है और जरूरी सामानों को मुहैया कराने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रिपोर्ट हमारे पास आई है, एक संदिग्ध की सूचना मिली है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी बताया गया है कि संदिग्ध कुमार धूबी क्षेत्र के हैं, जिसको लोकेट किया गया है एवं इस एरिया को सील बंद करने का जो प्रोसेस है वो चालू किया गया है। यहाँ के जो स्थानीय एसपीओ हैं उनके और जो स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारी लोग हैं उनके मदद से यहाँ पे जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किया गया है कि किस एरिया। एक बार किसी संदिग्ध के पहचान होने के बाद जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो किए जा रहे हैं और जल्द ही इसमें कितने किलोमीटर एरिया तक रेडियस को मतलब आप लोग फिल करने जा रहे हैं? ये डिपेंड करता है, जो गाइडलाइंस है वो कहता है कि 3 किलोमीटर्स का रेडियस है, बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड सिचुएशन कि यहाँ की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है। इन सब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन से चौक चौराहे हैं जिसको कम्प्लीटली सील करना है वो अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सर, दूध दही जो जैसे नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स हो गए, उन लोगों को कैसे पहुँचेगा सर, जरूरत की चीज़ें? इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग की गई है कल, उसमें यही तय किया गया है कि इनको होम डिलीवरी के तहत पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था जारी किया जाएगा, कोई नंबर जारी किया जाएगा जो कि पब्लिक किया जाएगा, उस पर कॉल करने के बाद जो वो मॉडलिटीज अभी फाइनलाइज होने बाकी हैं उसी के बेसिस पे डोर टू डोर डिलीवरी किया जाएगा। दूसरे व्यक्ति में फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि ये एयरबॉर्न है, किसी के खांसने छींकने या छूने तक से फैल रही है वायरस। तो हमारा अपील है कि घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी ना निकलें, जहाँ तक संभव हो ये प्रयास करें कि कुछ भी आइटम्स, आपको ज़रूरी सामान भी अगर घर से कहीं से लेना है, इस क्षेत्र के अलावा भी मैं लोगों से अपील करूँगा, किसी को अगर ज़रूरत का भी सामान लेना है तो हर संभव प्रयास करें कि मैक्सिमम एक आदमी जाए, कहीं जमावड़ा ना लगाएं। किसी भी प्रकार का सामान लेने के बाद आप तुरंत घर वापस आएं। अपने आप को, और जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी प्रकार की असहजता महसूस हो रही है या तबीयत खराब लग रही है, तुरंत जिला प्रशासन को बताएं, छुपाएं नहीं, किसी भी माध्यम से या तो अपने स्थानीय जिला पदाधिकारी को, थाना को, डायल 100 पे किसी भी माध्यम से आप सूचना दें, आप तक तुरंत मदद पहुंचाए। आपको बता दें कि राज्य में अब तक 28 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इसमें 14 यानी 50% मरीज रांची के हिंदपीढ़ी से हैं, जिसके चलते हिंदपीढ़ी राज्य का सबसे बड़ा और सक्रिय कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। न्यूज डेस्क।